तो मैं आप लोगों से आज बहुत ज़्यादा थैंक यू करने आई हूँ कि आप लोगों ने हमारा 70K कंप्लीट कर दिए हैं और वादे के मुताबिक मैं अपनी एनिवर्सरी का और 70K का केक एक साथ कट करने वाली हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द। एक बात सुनो, अभी मैंने किसी को ना आपके लिए लड़की का बोला हुआ है, ठीक है? मुझे आपकी करनी है शादी। बीवी को नौकर रख के दोगे? अम्मी अकेले अकेले काम करिए। वाह 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 वाह, हाँ बेटा सदके जाऊँ, सही है। एक बात सुनो ना, तुम अगर तुम बोलो मैं अपनी बीवी के लिए नौकर रखूंगा, अम्मी के लिए नहीं रखूंगा। अम्मी था उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से आज बहुत ज़्यादा थैंक यू करने आई हूँ कि आप लोगों ने हमारा 70K कंप्लीट कर दिए हैं और वादे के मुताबिक मैं अपनी एनिवर्सरी का और 70K का केक एक साथ कट करने वाली हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द। और जोएब अबू बुला रहे हैं आपको, आपको अबू बुला रहे हैं, देखिएगा। और दोस्तों दूसरी बात ये है, और दोस्तों जोएब को इसलिए मैंने अभी भेजा है कि बहुत ही फनी प्रैंक करने वाले हम लोग इसके साथ, और ज़रूर आप लोग साथ रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है और इनकी मासूम मासूम बातों को एंजॉय कीजिएगा और बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं और अपना ढेरों प्यार दीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग हमारी जो भी व्लॉग्स हैं देखते ज़रूर हैं, आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग भूल गए हैं तो। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा आपकी व्यूज़ की भी ज़रूरत है, हमें बहुत सारे व्यूज़ दीजिए और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं जोएब दानिश के लिए। और कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग लेके आऊँ और इन बच्चों के बारे में आप लोगों को सब बताऊँ और इंशाल्लाह आगे जाके एक दिन हम लोग इस तरीके से लाइव आएंगे कि हम जोएब दानिश के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरी बहन भाइयों के आए हुए मेरे पास कि इनके बारे में बताएं। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको सब अपने बच्चों के बारे में बताऊंगी कि इन बच्चों को हमने किस तरीके से इतना बड़ा किया है और अपनी जितनी भी स्ट्रगल है सबके बारे में हम लोग बताएंगे, मैं और वासिम मलिक और इंशाल्लाह। और दोस्तों आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और रहिए हमारे साथ, चलिए। और गाइस सबसे पहले मैं आई हूँ नाश्ते के लिए और नाश्ते के लिए सबसे पहले बनती है हमारी मज़ेदार सी चाय और अभी मैं डालूँगी पत्ती चाय में और चाय चढ़ाऊँगी सबसे पहले, उसके बाद बनाती हूँ मैं नाश्ता। दोस्तों अब मरहला आता है बर्तन धोने का और बहुत बर्फ़ पानी है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ की तिलों से निकल के आ रहा है और मेरे हाथ जम रहे हैं। और मैं सबसे पहले बर्तन धो लूँ ताकि लोगों को नाश्ता दूँ, कल हम लोग कहीं चले गए थे तो ये बर्तन धुले नहीं हैं, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है। मैं जल्दी से पहले बर्तन धोऊँ, बर्फ़ पानी ये देखें, हाथ देखते मेरे बहुत ठंडे हो रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और वो जले लिए थोड़े से बर्तन है, मैं इनको धो लूँ, धोने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। जैसे ही चाय तैयार हो गई सबसे पहले मैंने कहा बच्चों को दे दूं, बच्चे बैठे हुए हैं धूप में और धूप अभी ठंडी है, धूप में हरारत नहीं है, गर्म नहीं है धूप बिल्कुल भी। और मैंने लोगों को बोल दिया कि जैसे ही अगर आपको ठंड लगती है तो आप फौरन अंदर आ जाना, चाय वाय पी के थोड़े गर्म हो जाएंगे लोग। अभी मैं जल्दी से अंदर जाके नाश्ता बना रही हूँ लोगों के लिए। अभी मैं आ चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए और ये बना लिए पेड़े में, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बच्चों को ऑमलेट बना दूँ काली मिर्च और नमक वाला, जल्दी मैं बना रही हूँ पराठे और फटाफट बच्चों को देने वाली हूँ और बस साथ रहिए आप मेरे। जी दोस्तों नाश्ता बन चुका है मलिक साहब का और मलिक साहब जो है फुल फ्राई खाते हैं और आज थोड़ा सा अंडे को सर्दी लगी है क्योंकि आज बहुत सर्दी है और इस तरीके से हो गया है वो। बस मलिक साहब को मैं बुलाती हूँ, उनको जल्दी से सबसे पहले नाश्ता देती हूँ। दोस्तों मैंने बना दिए यहाँ पे ऑमलेट दोनों के और ये दोनों भी आ चुके हैं। नाश्ता दूँ? ये देखो तुम्हारे ऑमलेट बन गए और यहाँ पे इनका बन रहा है एक का पराठा और अभी मैं दूसरे का बनाऊंगी और इनको फिर मैं रोल बना के दे दूंगी इसके अंदर ही, अंडा डाल के ऑमलेट और इन दोनों को रोल बना के दे दूंगी इसके अंदर। और मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती हूँ पराठों में क्योंकि ये लोग भी अभी बड़े हो गए हैं, इनके लिए भी ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अभी बस मैं इनको जल्दी से बना के हल्का हल्का ऑयल डाल के और रोल बना के देती हूँ इनको। यहाँ पे बन गए दोनों भाइयों के रोल, इसमें मैंने इनको डाला है ऑमलेट और थोड़ा थोड़ा केचप ताकि थोड़ा टेस्ट आए और यहाँ पे है दानिश का, इसमें कम ऑयल डाला है
और यहाँ पे ज़ुएब का है, इसमें मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि ज़ुएब को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है और ज़ुएब बिल्कुल ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से चाहा है कि इनको ये खा लें ताकि थोड़ा सा ऑयल तो जाए। दानिश आ जाओ बेटा, और दानिश भाई भी आ गए, दोनों भाई आ गए, ज़ुएब भी आ गए। ये दानिश आप ले लो और ये भी आप ले लो, और मैं इनको थैंक यू। अभी ना मैं इन दोनों भाइयों को गरम गरम चाय भी देती हूँ, बहुत मस्ती आ रही है। हाँ, और अभी मैं इनको गरम गरम चाय भी देने वाली हूँ, बस चाय गरम हो रही है और इनको देते हैं। और मेरा भी यहाँ पे पराठा बन चुका है और मैं भी अभी जल्दी से नाश्ता करती हूँ और मिलते हैं हम लोग। दोस्तों ये मैंने जो 2-3 दिन पहले कपड़े धोए थे वो हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड और बादल हैं कि सूखने को ही नहीं हो रहे थे, तो अभी सूखेंगे। और अभी मुझे एक ये मरहला अभी इनको तय करके जल्दी जल्दी रखना है, और यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं ज़ुएब जी। क्या हुआ, क्या करूँ, क्या टेप, क्या करना है टेप को, घड़ी जोड़नी है। दानिश नहीं जुड़ती, ये प्लास्टिक की होती है, नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ती मेरा बच्चा। अभी मैं आपको दिला दूंगी, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं आपको नई घड़ी, प्लीज़ नहीं नहीं ये भी ख़राब है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों अच्छी वाली दिलाऊंगी, जुड़ेगी नहीं आपकी, टेप से नहीं जुड़ती है, प्लास्टिक की होती है ना। और ये इसमें आपने इतना बड़ा सुराख कर दिया, ये भी मुश्किल हो रहा है पहनना आपको, मैं आपको दिला दूंगी ना, ये तो टेप से नहीं जुड़ेगी आपकी, ठीक है, मैं दिला दूंगी, ठीक है। इधर देखो, ओके, खुश हो आप, मैं आपको दिला दूंगी, ओ मेरा बेबी, सही है बच्चा, सही है, ऐसे ही खुश रहा करो। जी दोस्तों, हम लोग आए थे पेटको पे, उन्होंने एक अपनी कैट दिखा दी थी, नॉटी सी और बहुत प्यारी सी थी, और ज़ुएब का उस पर दिल आ गया था और बहुत रो रहे थे ज़ुएब। ज़ुएब देखो, आप बिल्ली के लिए अम्मी से लड़ रहे हो, तो कौन संभालेगा बिल्ली को, बताओ मुझे, सही से बताओ, मैं कैसे संभालूंगी, आप बताओ ना, पूरे घर का काम अकेले करती हूँ, खाना भी पकाती हूँ, कैसे संभालूंगी बताओ। मैं रहूंगा ना, एक मिनट, आप पोटी उठाते थे पहले, अबू उठाते थे ना, खाना अम्मी बनाती थी पहले, पहले जैनब आपी भी थी तो चलो काम हो जाता था, कौन करेगा काम, मैं रहूंगा अम्मा। अभी रुक जाओ, अबू ने कहा है ना दिला दूंगा, दिला देंगे, 2 दफ़ा ला चुके हैं ना हम लोग, अभी बहुत सर्दी है, इंसानों के लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, बिल्ली कैसे रहेगी आपके बताओ, बिना दुलाऊंगा, अपने साथ नहीं सुला सकते ना हम लोग, कैसे खुद सोते कैसे सुला, बिल्ली वो छोटी है, वो जल्दी मर जाती है जितनी छोटी होती है। अभी सुनो, एक बात सुनो, अभी मैंने किसी को ना आपके लिए लड़की का बोला हुआ है, ठीक है, मुझे आपकी करनी है शादी, क्योंकि मुझसे अकेले सारा घर का काम नहीं होता, एक और औरत आ जाएगी ना तो काम होगा, तो अब आप ऐसे करोगे तो कैसे होगा बताओ, बताओ दो, शादी तो करनी है ना आपकी, दूर ही रहता आऊंगा, अब चूजे लेके आऊंगा, मैं शादी की बात कर रही हूँ आपसे, मैं आपके लिए लड़की देख रही हूँ एक, शादी करनी नहीं करनी ना, शादी करनी है नहीं करनी है ना, करनी है ना तो कैसे करोगे, अगर चूजे पालोगे बिल्ली पालोगे, वो बेचारी जो लड़की आएगी क्या करेगी फिर, बताओ ना उसको कैसे रखोगे, लड़की आएगी क्या करोगे तुम बताओ, कैसे रहेगी बेचारी, ना कमरा तो वो वाला दोगे तो हर वक्त कमरे में थोड़ी रहेगी, बाहर भी तो आएगी, मेरी हेल्प कराएगी काम में, मेरे लिए आसानी हो जाएगी, अब आप हर वक्त चूजे और फिर आप बिल्ली और ये पालोगे तो वो लड़की बेचारी क्या करेगी, वो मेरे से हाथ बटाएगी या आपके काम करेगी, नौकर तो रखोगे वो आगे की बात है, अभी अम्मी नहीं रख सक रही नौकर, आप अभी आगे कैसे नौकर रखोगे, अब वो लड़की देख रही हूँ मैं, अभी लड़की देखने जाएंगे हम लोग, तो बताओ ना ऐसे कैसे चलेगा, वो लड़की क्या सोचेगी, ये ज़ुएब को देखना बिल्ली पालता है, कभी चूजे पालता है, कभी मुर्गियाँ पाल रहा है, लड़कियों को तो हैंडसम लड़के चाहिए ना, जो स्मार्ट बन के रहें, जैसे दानिश भाई रहता है हर वक्त। शादी नहीं करनी आपने, नहीं है करनी है ना, तो फिर अब जब वो लड़की आएगी तो आपको उसका ख्याल रखना होगा, सब करना पड़ेगा, आप बिल्ली और उसके लिए चूजे के पीछे मुर्गी के पीछे रो रहे हो, कैसे चलेगा ये, मुश्किल हो जाएगा ना फिर, अब या तो लड़की ले आओ, उसको संभालो, उसका ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें, उसको शॉपिंग करानी पड़ेगी, उसको घुमाना पड़ेगा, कैसे करोगे फिर तुम बताओ मुझे, ये सारे काम आप डरा रही,
मैं कराऊंगी शॉपिंग, बीवी आपकी होगी मैं क्यों शॉपिंग कराऊंगी भाई। आपकी बेटी होगी देखो। वो मेरी तो बेटी होगी, मैं तो ये बोलती हूँ मेरी बेटी होगी जो भी आएगी, लेकिन आप बताओ ना आप ऐसे कैसे करोगे। आप अभी नाराज होके लेटे हो बिल्ली के लिए, कल वो लड़की आएगी और वो बेचारी कहेगी दे मुझे ब्रोस खाना है, दे मुझे ये खाना है, आप क्या करोगे फिर बताओ। ऐसे थोड़ी होता है, गंदी बात होती है ना। अब मैं लड़की कैसे देखूँ जाके बताओ, आप इस तरह करोगे तो आप कैसे ख्याल रखोगे लड़की का। मैं बहुत तेज हो रहा है। मेरे जैसे तो आप ख्याल रखोगे, लेकिन लड़की को तो शॉपिंग करनी होती है, कपड़े चाहिए होते हैं, मेकअप चाहिए होता है, बाहर खाना खाना होता है, क्या करोगे आप फिर? अगर आप बुन्ने बन के रहोगे, छोटे बच्चे बन के रहोगे, कैसे होगा फिर ये सब कुछ? आपको बड़ा बनना है ना, बड़े होके रहना है। अच्छे बच्चे बनोगे आप? अम्मी से लड़ोगे? हाँ, अम्मी से भी लड़ोगे? फायदा क्या फिर? मैं तो नहीं ला रही भाई, मैं नहीं ला रही, मैं शादी वादी नहीं कर रही भाई, मैं नहीं ला रही तुम्हारे लिए कोई लड़की भाई। क्यों? और क्या, मुझसे भी लड़ोगे? लड़की आ जाएगी और लड़ोगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कराची चली जाऊंगी वापस। तुम कहाँ जाओगे फिर? बेगम कहाँ जाएगी तुम्हारी? अच्छा जी, अपनी बेगम को तुम इस्लामाबाद रुकाओगे और अम्मी से लड़के अम्मी को कराची भेज दोगे? अच्छा सही है भाई, सही है, ऐसे करोगे तो अम्मी अब्बू के साथ? सही है भाई, सही है, अकेले रहना फिर वो बताएगी तुम्हें बेटा, लग पता जाएगा। अकेला कैसे रहूंगा? उसको तो फिर बाहर उसको सौदा उदा कौन ला के देगा, सब काम कौन करेगा? समझ रहे हो? समझ रहा? कभी रख के दो ना, अम्मी अकेले काम करती है, बीवी को नौकर रख के दोगे, अम्मी अकेले अकेले काम करी है। वाह 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 वाह, हाँ बेटा सदके जाऊं, सही है, बीवी आएगी तो नौकर आएगा और माँ अकेले अकेले काम करी है, थक के इतनी सर्दी में, ठंडे पानी में बर्तन धोना, कपड़े धोना ठंडे पानी में, सही है बेटा, सही है, ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है भाई ठीक है। एक बात सुनो ना, तुम अगर तुम बोलो मैं अपनी बीवी के लिए नौकर रखूंगा, अम्मी के लिए नहीं रखूंगा। अम्मी था? नहीं आपने बोला नहीं, आपने अभी अभी बोला मैं अपनी बीवी को नौकर रख के दूंगा, बोला था अपनी बीवी के लिए नौकर रख रहे हो और माँ को काम करती है माँ, सही है। मैं खुश क्यों ऐसे हो जाऊँ? दोस्तों आपको आज का ब्लॉग उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा और ज़ुएब की मासूम बातें और फनी फनी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहा करें आप और हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे व्यूज़ दीजिए क्योंकि हमें व्यूज़ की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर कई में हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद हमारे देखते तो हैं ब्लॉग, शायद उन लोगों ने सब्सक्राइब करना भूल गए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बहुत सारे व्यूज़ दीजिए और बहुत सारी दुआओं में याद रखिए और इन दोनों बच्चों को बहुत सारी दुआएं दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। के लिए अल्लाह हाफिज़।